हमारा नेक्स्ट वाइटल साइन है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्या रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? जो रेस्पिरेशन होता है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ठीक है, जो रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है? ये एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, थ्रू लंग्स होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली आपको पता है आप एवरी सेकेंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे हैं, लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज होती है इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। वैसे ऑक्सीजन के साथ साथ और भी कॉम्पोनेंट्स हैं जो आते हैं। नाइट्रोजन आपको पता है 78%, उसमें जो ऑक्सीजन का कॉम्पोनेंट होता है वो 20.8% होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी आपकी एक्सहेल होती है 16%। ठीक है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो वो काइंड ऑफ 40% होती है। तो ये कुछ इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं हम, तब ये चीज़ें होती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट विच हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि जो रेस्पिरेशन होती है वो तो हमने जान लिया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है टू टाइप्स की होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है एक्सटर्नल ठीक है, और सेकंड होती है इंटरनल। फर्स्ट मैंने एक्सटर्नल क्यों कहा है, क्योंकि जब हम ब्रीथ इन करते हैं ना तो जो एयर है वो एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर जाती है, तो पहले एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, तब इंटरनल होता है, तब इंटरनल वो पहुंचाई जाती है। तो जब इसमें क्या हो रहा है, जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है किस किस के बीच में, बिटवीन यहाँ पे जो लंग्स है वो एल्वियोलाई है। ठीक है, लंग्स और ब्लड के बीच में जो लंग टिश्यू है, मतलब जो बेसिक यूनिट है लंग्स की, वो क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैस एक्सचेंजेस हो रही हैं, ऑक्सीजन ली जा रही है और वेस्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस रिटर्न किया जा रहा है, और थ्रू एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इन थ्रू एक्सपायरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर एक्सहेल की जा रही है। तो इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, लंग्स और ब्लड के बीच में गैस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ब्लड के पास आ चुकी है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम होता है एवरी सेल टिश्यू तक रीच करना, बॉडी का जितने भी एवरी ईच सेल तक रीच करना और वहाँ तक उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि जो वो अपना फॉर्मेशन है आगे एटीपी का वो कंटिन्यू रख सके और जो उसको वर्क करना है बॉडी का वो वर्क कर सके। ठीक है, तो ये एक्सचेंज किसके बीच में होगा, गैस का, ब्लड एंड टिश्यू या फिर सेल। ठीक है, सेल से मिलके टिश्यू बने होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन हम किसे कहेंगे, बिटवीन ब्लड एंड सेल के बीच में। हमने नॉर्मल इनहेल किया, इनहेल करने के बाद गैस एक्सचेंज हुई किस किस के बीच में, पहले लंग्स के एंड तक जाएगी, उसके बेसिक यूनिट तक, एल्वियोलाई तक, तो वहां से स्टार्ट होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है,
लंग्स और ब्लड के बीच में, ब्लड तक पहुंचा दी गई जो गोल था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का। अब आती है बारी इंटरनल रेस्पिरेशन की। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या करेगा, ब्लड को लेके जाएगा एवरी सेल तक, ठीक, पहुंच जाएगा। वहां पर पहुंचने के बाद गैस एक्सचेंजेस हो जाएंगी, ब्लड से जो उसका गोल है वो अचीव हो जाएगा। कब, जब वो सेल और टिश्यू में पहुंच जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बोला रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। जब आप इनहेल करते हो तो ये इंस्पिरेशन है, ठीक है। अब आप एक्सहेल कर रहे हो तो ये एक्सपायरेशन है, ठीक है। इंस्पिरेशन में ब्रीथ इन करते हैं एंड एक्सपायरेशन में ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म है जो कंटिन्यूस यूज होती है रिगार्डिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट। अब रेस्पिरेशन में मतलब कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि मतलब कि एक नॉर्मल रेंज होती है ये, ठीक है। और हम रेस्पिरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट मैंने आगे लिख दिया है B/1, क्योंकि B/1 को हम बीट पर मिनट भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रीथ पर मिनट है। तो जो एक न्यूबॉर्न होता है, ठीक है, उसकी जो ऑन एन एवरेज होती है वो 35 लेते हैं, 40 भी हो सकते हैं, इन बिटवीन 30-60 लाया करता है। इन्फेंट की ऑन एन एवरेज 20-40 तक लाया करता है रेस्पिरेशन रेट। अडल्ट का 12-20 के बीच में हो सकता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 15 या 16 रहता है। और जो ओल्डर वन होते हैं उनका रेस्पिरेशन 10-24 के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल वेरिएशन है जो रेस्पिरेशन रेट में हमें देखने के लिए मिलती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो एबनॉर्मल वेरिएशन हमें देखने के लिए मिलती है वो कौन सी है। उससे पहले हम एक नॉर्मल टर्म मैं बता देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था जब हम वाइटल साइन में पढ़ रहे थे, यू वर्ड का मीनिंग मैंने बोला था, आप याद कर लो, नॉर्मल है, ठीक है। तो यूपनिया अगर हम बोल रहे हैं नॉर्मल वेंटिलेशन को इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, नॉर्मल वेंटिलेशन को। वेंटिलेशन भी यहाँ पे क्या वर्ड है, जो हम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे हैं इसको हम वेंटिलेशन ही कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल वेंटिलेशन को ये इंडिकेट करता है यूपनिया। अगर कहीं पर वर्ड लिखा है यूपनिया कि यूपनिया की क्या नॉर्मल रेट, क्या रेट होता है, किस रेट में लाई करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका रेट अडल्ट का वही आएगा 12-20 के बीच में। अगर एवरेज पूछ रहा है 15 या 16 में से आपको दे रखा है तो आप दोनों ऑप्शन पर जा सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे चीज़ें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है अब थोड़ा सा एबनॉर्मल वेरिएशन जो जो हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देखो हाइपोवेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है मोर, ठीक है। वेंटिलेशन जो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे हैं हम, अगर हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है तो मतलब जो ब्रीथिंग है वो बहुत स्लो रेट पे हो रही है, ठीक है, लेस देन 12, ठीक है। तो हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्रीथ का प्रोसेस है ना वो काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी रिटेन करने लग जाते हैं, मतलब लंग्स के अंदर या बॉडी टिश्यू के अंदर ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि एक्सहेल इतना हो नहीं रहा है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिटेन होने लग जाती है, ठीक है। हाइपरवेंटिलेशन में क्या होता है, डीप ब्रीथिंग
एंड फास्ट, ठीक है। डीप ब्रीथिंग होती है लेकिन फास्ट होती है बहुत ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इसमें कम देखने के लिए मिलता है जैसे, ठीक है। डीप ब्रीथिंग के साथ साथ फास्ट रेट हो जाता है बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेशन में, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोल, कॉस्मोल ब्रीथिंग कहते हैं इसको हम, ठीक है। डीप एंड रैपिड होता है ये, ठीक है। कॉस्मोल ब्रीथिंग ये किस में देखने के लिए मिलता है, डी के ए पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वाले पेशेंट में ये ब्रीथिंग देखने के लिए मिलती है, और फ्रूटी स्मेल आती है, ठीक है। जब हम ब्रेथ टेस्ट करते हैं या फिर हम जो एक नॉर्मल स्मेल आती है बॉडी पर्सन के माउथ से, तो कौन सी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल आती है, कॉस्मोल ब्रीथिंग देखने के लिए मिलती है जिसमें हाइपर वेंटिलेट कर रहा होता है पेशेंट, ठीक है। हाइपो वेंटिलेशन एंड हाइपर वेंटिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाइपो वेंटिलेशन जिसमें जो रेट है वो स्लो है, ठीक है, शैलो ब्रीथिंग है, और हाइपर वेंटिलेशन में डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, यूपनिया, हाइपो वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, हमने अभी तीन टर्म्स डिस्कस किए हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसमें आता है आपका, हाँ, ब्रेडिपनिया और ट्रेकिपनिया। हमने ये टर्म कुछ कुछ ब्रेडी और ट्रेकी उसमें भी पढ़ी थी अभी पल्स रेट में। ब्रेडी का क्या मतलब बताया था मैंने, लो इन नंबर, ठीक है, या फिर काउंट, और इंक्रीज इन नंबर या फिर काउंट, ठीक है। अभी नॉर्मल रेट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, 12 टू 20, अगर 12 से भी कम आ जाए, मान लो 10, 9, 8, 7 रेस्पिरेशन हो रहा है पर मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, पर मिनट की, ठीक है। अगर इस 12 से भी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, 10 आ रहा है, 9 आ रहा है, वैसे 10, 12 के नियरेस्ट अगर 11 भी आ जाता तो हो सकता है नेक्स्ट मिनट में वो रिकवर कर जाए पेशेंट, ठीक है। अगर 10 से बिलो आ रहा है तो हम किसको कहेंगे, ब्रेडिपनिया, ठीक है। बिलो 10 ब्रीथ पर मिनट अगर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ब्रेडिपनिया। और अगर 22 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ट्रेकिपनिया। जो नंबर ऑफ रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, 22 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा आता है इन एन अडल्ट, तो हम क्या कहते हैं उसको, ट्रेकिपनिया। और अगर नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट लेस देन 10 आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ब्रेडिपनिया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारी टर्म, शाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ठीक है, या फिर बायोट्स रेस्पिरेशन, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, एपनिया। एपनिया होता है सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है कि जो ब्रीथिंग होती है वो रुक जाती है, मतलब हो ही नहीं रही होती है, ठीक है। दो फेज में होती है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। जो टेम्परेरी होते हैं 20 to 30 seconds के लिए होते हैं, जो परमानेंट होते हैं मोर 1 minute तक ऑलमोस्ट कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो एपनिया क्या होता है, सीजेशन, ए मतलब अब्सेंट, निया, ठीक है, जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो सीजेशन हो गया, मतलब स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा यहाँ पे एपनिया। तो अब हम बात करेंगे चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन एंड बायोट्स रेस्पिरेशन की। जो चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन होता है ना, इसमें रिदम होता है बिटवीन रेस्पिरेशन एंड एपनिया के बीच में, ठीक है। जो रेस्पिरेशन होता है, जो वेंटिलेशन होता है, वो 40 seconds से ज़्यादा होता है, ठीक है। देन फॉलो करता है एक शॉर्ट पीरियड एपनिया का, टेम्परेरी एपनिया का, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है शैलो होती है, क्या होती है रेस्पिरेशन, शैलो होती है। बायोट्स रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, टू टू ब्रीथ के बाद साइकिल होती है, इरेगुलर साइकिल ऑफ एपनिया, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है, इसमें रिदम होता है, मतलब रेस्पिरेशन करेगा पेशेंट 40 सेकेंड के लिए ऑलमोस्ट, फिर 15-20 सेकेंड का या 25 सेकेंड का एपनी आएगा, ठीक है, फिर रेस्पिरेशन करेगा, फिर एपनी आएगा, ठीक है। तो इसमें एक रिदम साइकिल देखने के लिए मिलेगी आपको, रेस्पिरेशन एपनिया, रेस्पिरेशन एपनिया देन रेस्पिरेशन, ठीक है, ये साइकिल आपको देखने के लिए मिलेगी किसमें, चाइन स्ट्रोक में। लेकिन बायोट्रेस्पिरेशन में क्या होता है, बायोट्रेस्पिरेशन में होता है कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन देन एपनिया, देन रेस्पिरेशन हो सकता है और फिर कंटिन्यूस एपनिया 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 और रेस्पिरेशन, तो मतलब कोई साइकिल नहीं होती इसके बीच में, 2 से 3 ब्रीथ, उसके बाद इरेगुलर फेज आता है एपनिया का, ठीक है। तो ये बायोट रेस्पिरेशन में, इसमें मतलब कि स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक, या फिर ब्रेन डैमेज हो गया है, या मतलब कि कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड साइड एक्सीडेंट, तो उन सब केसेस में, ब्रेन डैमेजेस में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं ये रेस्पिरेशन, ठीक है। और कौन सी टर्म्स अब आपकी रह गई है इसके अंदर, अब आती है हाइपोक्सिया, एक आती है हाइपोक्सीमिया, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है लो, लो लेवल, हाइपो का मतलब क्या होता है, लो लेवल, ठीक है। जो ऑक्सिया वर्ड है ये टिश्यू के लिए इंडिकेट होता है, ठीक है, ऑक्सिया वर्ड किसके लिए इंडिकेट होता है, टिश्यू के लिए, और इक्जीमिया वर्ड होता है ब्लड के लिए। और यहाँ पे हमारी बात किस चीज की चल रही है, टोटल ऑक्सीजन लेवल की, ठीक है। तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू कहलाया जाएगा हाइपोक्सिया, ठीक है, और लो लेवल ऑफ ब्लड मतलब ऑक्सीजन इन ब्लड कहलाया जाएगा हाइपोक्सीमिया, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। दो वर्ड ये बहुत ज़्यादा कॉमनली वर्ड यूज़ किए जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, हाइपोक्सिया यूज़ किया जाता है टिश्यू के लिए, ठीक है, अगर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू है हाइपोक्सिया, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड है तो हाइपोक्सीमिया, ठीक है। हाइपोक्सिया तो हमने पढ़ लिया कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है इन टिश्यू, लेकिन कितने, अगर इसको क्लिनिकल इंडिकेशन में मैं बात करूं तो कितने उसको कहा जाएगा कि हाइपोक्सिया है किसी पर्सन को, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर मैं 15 ग्राम ब्लड मतलब 15 ग्राम HB प्रेजेंट है 100 ml ऑफ ब्लड में, तो ये नॉर्मल HB मानते हैं हम लोग, 12 to 15 है ना, फिफ्टीन ग्राम अगर पर 100 ml ऑफ ब्लड है तो ये नॉर्मल HB है, ठीक है। अगर इसमें से 15 ग्राम में से अगर 5 ग्राम ब्लड 5 ग्राम HB अगर ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया, ठीक है। देखो छोटी सी चीज होती है, एक जो HB होता है ना वो 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करता है, ठीक है, अपनी साइड पे, जैसे ये HB है, लाइक ये HB है, ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मतलब एटम को अपने साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो नॉर्मली 100 ml ब्लड में 12 से 15 ग्राम का ब्लड प्रेजेंट होता है एक हेल्दी पर्सन में, अगर मैं 15 एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ तो 15 में से अगर 5 ग्राम ब्लड ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना कर पाए तो इसका मतलब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया, ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, हाइपोक्सिया, ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोक्सीमिया साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, जो ये कंडीशन है ना हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया, इनकी वजह से लो लेवल है ऑक्सीजन का ब्लड में और टिश्यू में, तो इनकी वजह से जो स्किन में ब्लूइश कलर की डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलती है। नॉर्मली हमारी स्किन कैसी होती है,
ये येलो, पेल येलो, या फिर मतलब ब्राइट पिंक ऐसी होती है, ठीक है। ब्लूइश कलर आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। अगर ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ स्किन अगर देखने के लिए मिल रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा? साइनोसिस, ठीक है। तो साइनोसिस किसे कहते हैं? ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। इसके अलावा और कौन सी टर्म है आपकी? एस्फेक्सिया। सफोकेशन, ठीक है। एस्फेक्सिया क्या है? स्टेट ऑफ सफोकेशन। ए स्टेट ऑफ सफोकेशन, जब ऑक्सीजन का अमाउंट इन्वायरमेंट में या हम कहीं पर है, या जो उस पेशेंट है उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अस्थमा अटैक आ गया, तो उसको सफोकेशन फील होने लग जाता है जब ऑक्सीजन वो इनहेल नहीं कर पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। ये आपके एबनॉर्मल रेस्पिरेशंस में आते हैं, ठीक है। चीज़ें, ये टर्म्स कुछ बहुत ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें कुछ नॉर्मल साउंड्स की, ठीक है। पहले नॉर्मल साउंड देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे एक दो एबनॉर्मल साउंड्स, ठीक है। जो रेस्पिरेशन है वो हम ऑस्कल्टेशन मेथड से सुनते हैं, नॉर्मल साउंड विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये है हमारी। और हाँ, मैं रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में? मेडुला ऑब्लिगेंटा इसका मेन सेंटर है। मेडुला ऑब्लिगेंटा इसका मेन सेंटर है रेस्पिरेटरी का, जो ऑपरेट करता है, ठीक है। और पोन्स इसका असेसरी सेंटर है, ठीक है। असेसरी सेंटर पोन्स है, मेडुला ऑब्लिगेंटा इसका मेन सेंटर है। इसके अलावा जो इन सेंटर को ट्रिगर करता है, वैसे तो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। जो इसका मेन ट्रिगरिंग सेंटर है वो क्या है? इसका CO2। जब बॉडी में CO2 का लेवल इंक्रीज होता है नॉर्मल से ज़्यादा, तब हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सिनेरियो ये वर्क करते हैं। अगर बॉडी में कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो हाइपर वेंटिलेट करने लग जाएगा, ऑक्सीजन को ज़्यादा लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का ज़्यादा वो हो गया है तो हाइपो वेंटिलेट करेगा। तो अकॉर्डिंग जैसे जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कब वर्क करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसका क्या है? ट्रिगर सेंटर है, ठीक है, ना कि ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन की जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जब हम उसको कंटिन्यू फिर ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सेंटर उनको ट्रिगर नहीं मिल पाता और जो पर्सन है उसकी जो कंडीशन है और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल साउंड आती है हमारी, सबसे पहले हम सुनते हैं ट्रैकिया पे। ओवर ट्रैकिया ही ये सुनाई देती है, ठीक है, लाउड होती है। इसमें एक्सपायरेटरी जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे मैं ड्यूरेशन लिख रही हूँ, इक्वल है इंस्पिरेटरी से। यहाँ पे आपको पता है, आपका ये ट्रेक क्या है, यहाँ पे हम स्टेथोस्कोप लगाते हैं और वो जो वॉइस है वो सुनते हैं, ठीक है। लाउड होती है, क्लियर होती है, और जो एक्सपायरेटरी ड्यूरेशन है वो इंस्पिरेटरी के इक्वल होता है। फिर नेक्स्ट आपकी साउंड क्या, कौन सी आती है? ब्रोंकियल। ये भी लाउड होती है, ठीक है। इसको हम कहाँ पर असेस करते हैं ब्रोंकियल साउंड को? इसको दो जगह असेस करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर किसे कहते हैं? जो आगे का फ्रंट पार्ट है किसी भी चीज़ का, अगर हैंड है इसका एंटीरियर ये, पोस्टीरियर पार्ट ये होगा। तो चेस्ट का एंटीरियर पार्ट ये, पोस्टीरियर बैक हमारा, ठीक है। A4 आगे, B4 पीछे, ऐसे करके याद कर सकते हो। एंटीरियर, एंटीरियर पार्ट में फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हम सुनते हैं इसको, और पोस्टीरियर में बिटवीन द स्कैपुला, ठीक है। ये ब्रोंकियल साउंड सुनाई दी जाती है इसमें। और इसमें जो एक्सपायरेटरी ड्यूरेशन होता है वो इंस्पिरेटरी से थोड़ा ज़्यादा है। E4 एक्सपायरेटरी और I4 इंस्पिरेटरी। जो एक्सपायरेटरी है वो ज़्यादा होता है ड्यूरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा,
कंपैरेटिव इंस्पिरेटर से थोड़ा ज्यादा होता है ब्रोंकियल में, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड, ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड। जो ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड्स होते हैं वो कहाँ पर आपको मतलब कि असेस करनी होती है ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड? सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, एक सेकेंड। जो मैंने आपको ब्रोंकल साउंड बताया है मैं आपको थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक सेकेंड। जो ब्रोंकस साउंड होता है वो मेन्यूब्रियम पे, मेन्यूब्रियम पे हम इसको असेस करते हैं, ब्रोंकस साउंड का क्लियर होता है, लाउड होता है, ठीक है। एंड इसमें बाकी सब चीज़ें सेम है, एक्सपायरेटरी का जो ड्यूरेशन होता है ज़्यादा होता है इंस्पिरेटरी से, ठीक है। लेकिन जो ब्रोंकस साउंड है उसको असेस किया जाता है मेन्यूब्रियम पे, ठीक है, मेन्यूब्रियम पे इसको असेस किया जाता है। अब आता है थर्ड हमारा ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड, ठीक है। कौन सा साउंड? ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड। जो ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड होते हैं ये दो तरीके से असेस किए जाते हैं, जो अभी मैंने बताया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे असेस किया जाता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर होता है बिटवीन द स्कैपुला। ठीक है, ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड कहाँ पर सुना जाता है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में, एंड पोस्टीरियर बिटवीन द स्कैपुला के बीच में। इसमें जो एक्सपायरेटरी और इंस्पिरेटरी होता है वो इक्वल होता है ड्यूरेशन, ठीक है। इंस्पिरेटरी का भी उतना ही ड्यूरेशन होता है और एक्सपायरेटरी का भी उतना ही ड्यूरेशन होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वेस्कुलर साउंड, ऑल ओवर द लंग। ये आपको सुनाई देती है, ठीक है। जो ये वाली साउंड होती है ये थोड़ी सी लो पिच साउंड होती है एंड सॉफ्ट होती है। लो पिच साउंड एंड सॉफ्ट होती है ये वाली साउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक्सपायरेटरी होता है उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है और इंस्पिरेटरी का ज़्यादा होता है, ठीक है। फोर्थ साउंड हमने सुनी ट्रैकिया, ट्रैकियल साउंड जो ओवर द ट्रैक के सुनाई देती है। ब्रोंकियल साउंड, जो ब्रोंकस साउंड होते हैं वो कहाँ पर? मेन्यूब्रियम पे सुनते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ब्रोंकियल वेस्कुलर साउंड। जो ब्रोंकियल वेस्कुलर साउंड होती है एंटीरियर आगे हम फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल पे सुनते हैं, एंड पोस्टीरियर बिटवीन द स्कैपुला। फिर फोर्थ साउंड होती है हमारी वेस्कुलर साउंड। वेस्कुलर साउंड ऑल ओवर द लंग्स सुनते हैं हम लोग, ठीक है। एंड ये थोड़ी सी सॉफ्ट एंड लो पिच साउंड होती है। इसमें एक्सपायरेटरी की ड्यूरेशन कंपैरेटिव थोड़ी कम होती है और इंस्पिरेटरी की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारी है नॉर्मल साउंड। अब आती है हमारी बारी किसकी? एबनॉर्मल साउंड्स। तो जो एबनॉर्मल साउंड, सबसे पहले इसमें स्ट्राइडर, स्ट्राइडर साउंड कैसी होती है? स्ट्राइडर साउंड होती है थ्रिल वाइब्रेशन होती है ना अपर एयरवे में, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है अपर एयरवे में, कोई प्रॉब्लम है तब हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें कैसी साउंड देखने के लिए मिलती है? श्रिल वाइब्रेशन, ठीक है, हार्श साउंड्स देखने के लिए मिलता है इसमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? लैरिंजाइटिस। क्या इसका एग्जाम्पल? लैरिंजाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट साउंड आती है हमारी नेक्स्ट साउंड हमारी कौन सी है? वीजिंग साउंड।
जिसको अनदर नेम क्या है इसका, जो इसके अनदर नेम से आती है ये रोंकाई, ठीक है, ये हाई पिच साउंड होती है। कंटिन्यूस होती है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर नैरो हो जाता है ना पाथवे, तब देखो वीजिंग क्या होता है। वीजिंग में विसल साउंड आती है, विसल कब आती है, जब कोई चीज नैरो हो, ठीक है। तो इसमें भी जो विसल साउंड है वो कब आपको मतलब कि सुनाई देगी, जब जो उसका जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो किसी वजह से ज्यादा वहां पे म्यूकस प्रेजेंट है या नैरो हो गया है, जैसे कि अस्थमा में, सीओपीडी वाले पेशेंट में आपको देखने के लिए मिलता है, तब ये वाली जो साउंड्स है ये सुनाई देती है, ठीक है। अस्थमा या फिर सीओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं जिसमें भी नैरो हो जाए पाथवे, ठीक है, एयरवे हमारा, उसमें ये वाली साउंड सुनाई देती है। ये हाई पिच साउंड होती है, क्या होती है ये हाई पिच साउंड होती है ये वाली, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ होती है, बस यही। देन आता है आपका क्रेपिटस साउंड, ठीक है, जिसको हम रेल या फिर रेल भी कहते हैं, ठीक है, ये इसके नाम है, किसी भी नाम से ये आ जाती है, ठीक है, क्रेपिटा साउंड, रेल साउंड या फिर रेल साउंड, ठीक है। ये कैसी साउंड होती है, पॉपअप साउंड, लाइक पॉपअप एंड लाइक जैसे मतलब ये साउंड मेनली होती क्यों है आप समझ जाओगे इसी से। अगर कहीं पर मतलब वाटर है, म्यूकस है, ठीक है, उसमें अगर एयर की बबलिक साउंड जैसा होता है ना, वैसी साउंड आती है, लाइक जैसे वाटर में से जब पानी से खदक रहा था, बप बप आता है ना, तो उस साउंड को हम क्या कहते हैं, क्रेपिटस साउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली साउंड भी क्या होती है, हाई पिच साउंड होती है। म्यूकस प्रेजेंट होने की वजह से वहां से जब एयर पास करती है तब इसलिए ये वाली साउंड सुनाई देती है, पॉपअप या बबलिंग साउंड या फिर रैटलिंग साउंड। ठीक है, हाई पिच साउंड होती है ये। और इस ये कौन से उस पेशेंट में देखने के लिए मिलेगी, पल्मोनरी एडिमा, ब्रोंकाइटिस, एम्पाइमा, ठीक है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो जो जिस जिस कंडीशन में जब जब म्यूकस प्रेजेंट होगा ना, लो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये आवाज़ मतलब अफेक्ट करता है, तब ये साउंड जो है जनरेट होती है, और ये साउंड हमें सुनाई देती है, पॉपअप, बबलिंग और रैटलिंग साउंड होती है, हाई पिच साउंड होती है। ये पल्मोनरी एडिमा में देखने के लिए मिलती है, ब्रोंकाइटिस में देखने के लिए। एक चीज़ और होती है कि अगर हम पेशेंट को पूछते हैं, कफ करने के लिए बोलते हैं, और कफ करने के बाद अगर क्रेपिटस साउंड कम हो जाए या क्लियर हो जाए, तो इसका मतलब पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है। अगर वो साउंड कंटिन्यू रहती है सेम, तो इसका मतलब वहाँ पे फ्लूड एक्यूमुलेशन है, कहीं ना कहीं पल्मोनरी एडिमा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएटिव स्पेशल पॉइंट है जो इसमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें इन्हेलेशन में ज़्यादा देखने के लिए आती मिलती है, ड्यूरिंग इन्हेलेशन ये साउंड आपको सुनाई देती है, देन एक्सपायरेशन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन विद नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, हो गए इसमें हमारे नॉर्मल साउंड्स एंड एबनॉर्मल साउंड्स। तो रेस्पिरेशन अब हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर। एक चीज़ और जो रेस्पिरेशन में मैं आपको बताना भूल गई, कि जो रेस्पिरेशन है हम पेशेंट की लेते कैसे हैं, असेस कैसे करते हैं। तो जो पेशेंट की रेस्पिरेशन होती है, जब वाइटल्स हम नॉर्मली पेशेंट के एक साथ ही असेस करते हैं,
टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और उसके बाद असेस करते हैं बीपी, ठीक है। तो जैसे कि जब हम पेशेंट को थर्मामीटर प्लेस करते हैं, ओरल लेना है या एक्सेल लेना है या किसी भी साइड से लेना है, वो प्लेस करने के बाद हम फिर पेशेंट की पल्स असेस करते हैं। फिंगर टिप्स हम यूजुअली जो असेस करते हैं पल्स कौन सी करते हैं, रेडियल पल्स। जैसे कि मान लो रेडियल पल्स आपको असेस करना है, ठीक है, रेडियल पल्स असेस कर इस हैंड से हम करते हैं, ठीक है। तो इस वाले हैंड से मान लो मैं रेडियल पल्स असेस कर रही हूँ, तो रेडियल पल्स असेस करते वक्त इस वाले हैंड को हम ऐसे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट मिनट में हमें क्या करना होता है, पेशेंट की जो पल्स है वो असेस करनी होती है। नेक्स्ट मिनट में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट की जो चेस्ट की मूवमेंट है कितनी बार राइज हुई एंड कितनी बार फॉल हुई वो काउंट करते हैं, वही हमारा ब्रीथिंग काउंट करते हैं, ठीक है, पेशेंट को एक्नॉलेज किए बिना। क्योंकि अगर पेशेंट को एक्नॉलेज करते हैं तो वो अपनी रेट को ना मतलब डाउन भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, उनको एनजाइटी भी हो सकती है, क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं तो कुछ लोगों को तो ऐसे ही एनजाइटी हो जाती है हम लोगों को देख के, ठीक है। तो उसी टाइम पे हम चेक करते हैं, पहले हम पल्स रेट चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्या, ब्लड प्रेशर। ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट बीपी भी कहते हैं, ठीक है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है ब्लड के द्वारा लगाया जाता है प्रेशर वॉल्स पे, जो आर्टरी वॉल्स होती है ना उन पे, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ब्लड है वो एओर्टा में जाता है, आर्टरीज में जाता है। तो जो वो ब्लड आया है ना जिस प्रेशर के साथ, वो प्रेशर उन वॉल्स पे लगाया जाता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो यही एक यही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ये एक प्रेशर है जो एग्जर्ट किया जाता है ब्लड पे, ठीक है, आर्टेरियल वॉल पे, जब ब्लड इससे पास होता है, कब, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जो ब्लड प्रेशर है वो दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी क्या होता है, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो जो इसका मैक्सिमम प्रेशर होगा ना वॉल पे लगेगा, उसको हम सिस्टोलिक बीपी कहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर। एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द